नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल 24 में। यदि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसे बेहतरीन वीडियो का लाभ मिल। और आज हम होम रूल लीग आंदोलन पढ़ने वाले हैं। इस आंदोलन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये आंदोलन हुआ, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, क्या इंसिडेंट हुए, इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और हाँ, इंडियन होम रूल क्या था, ऑल इंडिया होम रूल क्या था, किस प्रकार से ये मूवमेंट ने हमारे आज़ादी के आंदोलन को प्रभावित किया, इस पूरे टॉपिक को देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में, लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले होम रूल का मतलब क्या होता है। होम रूल का जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है, एक होम है यानी घर है और दूसरा एक व्यक्ति है जो एक नियम बता रहा है, कुछ रूल्स बता रहा। तो हमारा घर, हमारे नियम अर्थात स्वशासन या स्वराज का होना ही होम रूल है। अब इस मूवमेंट की शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले दुनिया में, ये आयरलैंड से की गई थी और आयरलैंड में इस मूवमेंट को इस्टेब्लिश किया था रेडमंड नाम के एक व्यक्ति ने। और ये चाहते थे इनका देश आयरलैंड ये ब्रिटिश सरकार के अधीन स्वशासन प्राप्त करे अर्थात होम रूल करे। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में एक महिला आई, श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट मूलतः थी आयरलैंड से, उन्होंने उस विचार को ध्यान में रखते हुए, भारत में भी स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था, वो इन्होंने होम रूल का मूवमेंट भारत में शुरू किया। और इस होम रूल आंदोलन के माध्यम से वे चाहती थी कि भारत को भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के जैसे डोमिनियन राज्यों का दर्जा मिले जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। और इस पूरी मुहिम में इनका जो साथ दिया वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया। इस पूरे इंसिडेंट को कवर करने के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था, इसके सामने घटनाएं कौन सी घटी थी, उस समय की आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जब ये होम रूल आंदोलन 1916 में स्टार्ट करना पड़ा। तो आइए देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो जब सूरत का विभाजन हो गया था 1907 में, तो कांग्रेस का नरम दल और गरम दल ये दो आपस में विभाजित हो गए थे, जो आज़ादी का आंदोलन था वो शिथिल पड़ गया था। इस समय ही लोकमान तिलक को मांडले की जेल हो गई थी, 6 साल की जेल के बाद ये 1914 को रिहा होकर के आए थे। और उसी समय उसके बाद एनी बेसेंट भी भारत में सक्रिय राजनीति में उतर चुकी थी। तो 1915 के बम्बई प्रेसिडेंसी चुनाव में नरम दल और गरम दल ने भाग लिया, लेकिन नरम दल का प्रभाव उस क्षेत्र में ज़्यादा था। वहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी काफ़ी सक्रिय थी, इसलिए उस संस्था ने होम रूल मूवमेंट में जो कि बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में चल रहा था उसमें भाग नहीं लिया। और यहीं से होम रूल की शुरुआत होती है। और इस होम रूल की शुरुआत के लिए जो बीज बोया है वो एनी बेसेंट ने बोया है। और ये इनके जो न्यूज़पेपर थे कॉमन बील और न्यू इंडिया, ये दो न्यूज़पेपर के माध्यम से उन्होंने होम रूल का जो कॉन्सेप्ट है इसको सोसाइटी के बीच में इस्टेब्लिश किया, लोगों को इसकी जानकारी दी। कॉमन एजेंडा ये तय हुआ कि हम होम रूल के माध्यम से भारत में स्वराज को प्राप्त करेंगे, संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति करेंगे और ब्रिटिश विरोधी संघर्ष को गति प्रदान करेंगे। इस पूरे उद्देश्य के साथ में होम रूल आंदोलन खड़ा हुआ। ये क्वेश्चन आता है कि इस होम रूल आंदोलन को सबसे पहले किसने शुरू किया, तो जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत हुई इंडियन होम रूल लीग के माध्यम से, ये शुरुआत की है बाल गंगाधर तिलक ने। आप इमेज में देख रहे हैं महाराष्ट्र कर्नाटक उस समय का जो सेंट्रल प्रोविंस, इस रीजन में बाल गंगाधर तिलक ने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी अप्रैल 1916 में। और इसका हेड ऑफिस जो बनाया था वो पुणे में एस्टेब्लिश किया था। और ये जो होम रूल लीग था यानी एक प्रकार की संस्था थी स्वराज की प्राप्ति के लिए, प्रांतों की स्थापना के लिए और शिक्षा के लिए, ये मुख्य उद्योग के साथ ये संस्था जो है वो काम करेगी। और इस संस्था का जो अध्यक्ष था उस समय पे जोसेफ बैप्टिस्टा थे, जो कि बाल गंगाधर तिलक के साथ में काम कर रहे थे। और इंडियन होम रूल लीग ये जो संस्था बनी, इस संस्था ने आगे ये काम किया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक और मुंबई को छोड़ के, ध्यान रखेंगे मुंबई में जब 1915 में चुनाव हुए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले की जो संस्था थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये संस्था मुंबई में सक्रिय थी, इसलिए वहाँ के कार्यकर्ताओं को उन्होंने बोल दिया था कि कोई भी इंडियन होम रूल लीग में शामिल नहीं होगा। इसलिए जब बाल गंगाधर तिलक ने ये संस्था स्थापित की तो इसमें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या नरम दल या गोपाल कृष्ण गोखले की ओर से एक भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं था। अब इस संस्था ने जो शेष महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था और मध्य सेंट्रल प्रोविंस का रीजन था और ये कर्नाटक का रीजन था, इन तीन रीजन्स में इन्होंने मराठा, केसरी जो न्यूज़पेपर थे
मराठा इंग्लिश में पब्लिश होता था, केसरी मराठी में पब्लिश होता था। इनके माध्यम से होम रूल के कॉन्सेप्ट को फैलाया। और इसी समय तिलक का जो स्वराज को लेकर के नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पा करके रहूंगा, सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ। उस समय पर एक ब्रिटिश लेखक थे जिन्होंने किताब लिखी इंडियन अनरेस्ट। किताब में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। कई बार अक्सर एग्जाम में आता है निम्न में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा जाता है, निम्न में से किस व्यक्ति ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो तिलक को इन्होंने भारतीय शांति का जनक कहा था, तो तिलक उसके खिलाफ मुकदमा करने के लिए, मानहानि का मुकदमा करने के लिए लंदन गए, और यहाँ से इंडियन होम रूल मूवमेंट जो है स्टार्ट हो चुका था, जो कि सबसे पहले स्थापित किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अब वहीं दूसरी साइड श्रीमती एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट ने क्या किया था, एक संस्था बनाई ऑल इंडिया होम रूल लीग, और इसकी स्थापना उन्होंने की थी सितंबर में। ध्यान रखेंगे ये दूसरा जो होम रूल लीग था इसको स्थापित किया था सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने। इसका मुख्यालय रखा था मद्रास, मद्रास के पास अडियार है जहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय था, वहाँ से इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इनका जो क्षेत्र था तिलक के क्षेत्र को छोड़ करके बाकी का शेष भारत का जो क्षेत्र था, यहाँ पर एनी बेसेंट ने इस होम रूल के मूवमेंट को खड़ा किया। और इस मूवमेंट में कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका के माध्यम से सर्वाधिक प्रचार किया। और इस प्रचार के बाद जो इनके संगठन सचिव थे, यानी इस पूरी जो संस्था बनाई थी ऑल इंडिया होम रूल लीग, इसमें जो जॉर्ज अरुंडेल थे ये संगठन सचिव थे। ये ध्यान रखना ये वही जॉर्ज अरुंडेल हैं जिन्होंने 1911 में कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए जो समिति बनी थी उसके सदस्य थे उस, ठीक है। और बीपी वाड़िया, इनको जून 1917 में गिरफ्तार कर लिया गया। इन तीनों को जब 1917 में गिरफ्तार कर लिया गया तो एक और व्यक्ति थे सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने इस गिरफ्तारी के विरोध में नाइटहुड की जो उपाधि ब्रिटिश सरकार से उनको मिली थी वो उन्होंने त्याग दी। कि ये जो श्रीमती एनी बेसेंट थी फेवियन आंदोलन की प्रस्तावक थी भारत में, कि फेवियन आंदोलन कानूनी दायरे में क्रमिक तरीके से लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करने की एक विचार है, और ये ब्रिटेन में सबसे पहले शुरू हुआ। ब्रिटेन के बाद इन्होंने इंडिया में इस मूवमेंट को इस्टेब्लिश किया। और साथ ही साथ एक और इनसे जुड़ा हुआ फैक्ट है कि इन्होंने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आइए इनके जीवन से जुड़ी कुछ और चीजें देख लेते हैं जो अक्सर एग्जामों में आती हैं। पहला, इनका जन्म हुआ 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में, लेकिन 1889 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गई। और उसके बाद इन्होंने 1893 में जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद का जो व्याख्यान है सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, उसमें ये शामिल हुई। और उसके बाद वे भारत आई और 1898 में बनारस में केंद्रीय हिंदू स्कूल की स्थापना की। और उसके बाद 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये अध्यक्ष बनी जब कर्नल अलकाट की डेथ हो गई। और एक और प्रमुख इनसे रिलेटेड जो घटना है, 1917 में ये कांग्रेस के जो हर साल अधिवेशन होते थे उन अधिवेशन में से पहली महिला अध्यक्ष बनी श्रीमती एनी बेसेंट जी। कि होम रूल मूवमेंट का परिणाम ये निकला कि तिलक और एनी बेसेंट 1918 में विलय कर दिया गया आपस में। और एक और इम्पैक्ट ये पड़ा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो होम रूल लीग की जो बातें थी, जो डिमांड थी, उन डिमांडों को कुछ हद तक पूरा कर लिया गया। रिजल्ट ये निकला कि होम रूल लीग मूवमेंट को ख़त्म करना पड़ा। और इस मूवमेंट से फ़ायदा यह हुआ पूरे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नए युवा, नए लोग इसमें शामिल हुए। इस पूरे रिजल्ट के बाद इसका महत्व ये हो जाता है कि भारतीय राजनीति की निष्क्रियता को उसने दूर किया और स्वतंत्रता का जो संघर्ष चल रहा था और उसको राजनीतिक रूप से एकीकरण मिला। इसके बाद लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसमें लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ, नरम दल और गरम दल के बीच में आपस में मिलना हुआ, और इनमें केंद्रीय भूमिका निभाई थी एनी बेसेंट ने। तो आइए अब इसकी समरी देख लेते हैं मास्टर स्ट्रोक के रूप में। तो बाल गंगाधर तिलक भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना करने वाले व्यक्ति, दूसरा एनी बेसेंट, तिलक ने इंडियन होम रूल एस्टेब्लिश किया, भारतीय शांति के जनक कहे जाते हैं, और महाराष्ट्र तथा मध्य भारत में इन्होंने होम रूल मूवमेंट को एस्टैब्लिश किया था। कुछ और फैक्ट, केसरी और मराठा न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश किए, पुणे में अपनी लीग की स्थापना की थी और स्वराज का नारा दिया था। एनी बेसेंट से रिलेटेड है, इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी दूसरे नंबर पर, और अडियार में मद्रास में इनका मुख्यालय बनाया था, और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये जो न्यूज़पेपर थे इनके माध्यम से इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा। दोस्तों हमारे वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।